ब्रेक के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। पुलिस प्रशासन अपराध पर नियंत्रण करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी अपराध करने से रोक नहीं पाते हैं। और ऐसी एक घटना बीती रात नवादा थाना अंतर्गत के जवाहरी टोला का है, जहां पर अपराधियों ने युवक को उसके घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद भी अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। बीती रात नवादा थाना अंतर्गत जवाहर टोला में अपराधियों ने एक युवक को घर से बुलाकर गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पवन कुमार बालू व्यवसाय का काम करता था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस छानबीन कर रही है। कौन नंबर चुटिक था? पवन 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 पासवान किता जी के राम जुदिया पासवान राम जुदिया पासवान। अभी एक जवाही टोला साइड से कोई केस आया है जो कि पवन पासवान नाम है और गन शॉट केस है। नियर अबाउट 4 से 5 गोली के आसपास दिख रहा है। फाइनली एक्सरे के बाद पता चलेगा पेशेंट ब्रॉड एक्सपायर ही आया था। इसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। क्या नाम है सर? डॉक्टर एस कुमार सदर हॉस्पिटल एमओ सदर एमओ। अभी 20 मिनट हो रहा है, बंगाली आता में सूरज पासवान मारा है, 2 एजेंसी ना है, घर से बुला के मारा है सर। क्या के लिए पहले से कुछ विवाद था? नहीं विवाद था, गोली इनके गाड़ी पर वो भी गोली चलाया था पहले ही बार। अच्छा। हाँ, रंगारी मांगा था इनसे। क्या करते थे ये? ये बालू बालू में रहते थे ये सर। मारने वाला कहाँ का था? मारने वाला जवाहर टोला का था सर। क्या नाम है इनका? पवन पासवान। घर कहाँ है? जवाहर टोला, हम उनका छोटा भाई बोल रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। कितना गोली मारा गया? 5 गोली मारा है सर।